दिल तेरे बिना लगदा नहीं, दिल हथों बार हो गया, इश्क तेरा इश्क मैनू सौन ना देवे, इश्क तेरा इश्क मैनू रोन ना देवे, यार किसे दे नाल ए होर होन ना देवे, इश्क तेरा इश्क मैनू सौन ना देवे। हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक अमेजिंग सा स्टेटस एडिटिंग वीडियो लेकर आ गई हूँ, जिससे आप किसी के भी में से एक अच्छी सी वीडियो क्रिएट करके उन्हें एनिवर्सरी विश कर सकते हैं सबसे अलग तरीके से। सो हे बडीज, अगर आप भी इस तरह के वीडियो क्रिएट करना चाहते हो और आपसे नहीं हो पा रही है तो मैं आपको क्रिएट करके दे सकती हूँ। इसके लिए आपको हमसे कॉन्टेक्ट करना होगा, आपको सारी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हाँ फ्रेंड्स, इस चैनल के अलावा हमारा एक और चैनल है, अगर उस चैनल को अभी तक विजिट नहीं किए तो प्लीज़ उस चैनल जरूर विजिट कीजिए, उस चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग एडिटिंग स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो फ्रेंड्स, एडिटिंग स्टार्ट करने के लिए आपको काइनमास्टर एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास काइनमास्टर एप्लीकेशन नहीं है तो नीचे लिंक दी गई है, आप वहां से इसे इंस्टॉल कर सकते हो। सो इंस्टॉल करते ही आपको इसे ओपन कर लेना है। ओपन होते ही आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, फिर आपको 1:1 की रेशियो को सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर लेना है। फिर आपको सेटिंग पे जाना है, एडिटिंग पे जाना, आपको फिर स्क्रीन कर लेना है, यहाँ ऑलरेडी सिलेक्ट है इसलिए मैं नेक्स्ट कर रही हूँ। फिर आपको मीडिया पे जाना है और आपको इसमें इमेज को ऐड कर लेना है जिसकी इमेज से आप वीडियो क्रिएट करना चाहते हो। सो फ्रेंड्स, आपको टोटल 12 इमेज को ऐड कर लेना है। सो फ्रेंड्स, अब आपको फर्स्ट इमेज पे क्लिक करना है और आपको इसमें विनियट को ऐड कर लेना है। सो फ्रेंड्स, इस तरह आपको सारे इमेज में विनियट को ऐड कर लेना है। सो फ्रेंड्स, ये हो गया है। अब आपको इसमें स्टार्ट पोजीशन और एंड पोजीशन को ऐड कर लेना है ताकि आपकी इमेज इधर उधर से क्रॉप ना हो। सो फ्रेंड्स, देख सकते हो आप लोग, ये ऐड हो चुका है। अब आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है और आपको इसमें ट्रांजिशन इफेक्ट को ऐड कर लेना है। सो आपको क्रॉस लाइन पे जाना और आपको इसके फर्स्ट वाले को ले लेना है। सो फ्रेंड्स, इस तरह आपको सारे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके आपको इसमें ट्रांजिशन इफेक्ट को ऐड कर लेना है। फिर आपको सिर वाले आइकन पे क्लिक करना है और आपको इसे एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट होने के बाद ये आपके फाइल में सेव हो जाएगी जिसे अपने वीडियो में यूज करना है। सो फ्रेंड्स, ये हो गया। अब आपको बैक आ जाना है। सो आपको फिर से प्लस आइकन पे क्लिक करना है। अब आपको 16:9 की रेशियो को सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर लेना है, यहाँ ऑलरेडी सिलेक्ट है इसलिए नेक्स्ट कर लेना है। फिर आपको मीडिया पे जाना है और आपको वो इमेज ऐड कर लेनी है जो आपने एक्सपोर्ट वीडियो के लिए इमेज को ऐड किया था। सो फ्रेंड्स, ये हो गया है। अब आपको इशारे में भी विनियट को ऐड कर लेना है। ये हो गया। आपको इसमें भी ट्रांजिशन इफेक्ट को ऐड कर लेना है। सो आपको प्लस आइकन पे क्लिक करना है, फिर आपको प्रेजेंटेशन पे जाना है और आपको स्लाइड ले लेना है। सो इस तरह आपको सारे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके स्लाइड वाले ट्रांजिशन इफेक्ट को ऐड कर लेना है। ये हो गया। आपको ऑडियो पे क्लिक करना है और आपको इसमें वो ऑडियो को ऐड करना है जो आपने एक्सपोर्ट वीडियो में ऑडियो को ऐड किया था।
सो फ्रेंड्स ये हो गया है, अब आपको लेयर पे जाना है, इफ़ेक्ट पे जाना है, आपको ब्लड वाले इफ़ेक्ट को ले लेना है। अब आपको इसे फुल वीडियो तक कर लेना है, फिर आपको लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है और आपको एक टेम्पलेट को ऐड कर लेना है। इस टेम्पलेट की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। फिर आपको यहाँ पर क्लिक करना और आपको इसे फुल स्क्रीन कर लेना है। फिर आपको लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है और आपने जो एक्सपोर्ट वीडियो किया था आपको उसे ले लेना है और आपको इसे यहाँ पे सही से एडजस्ट कर देना है। ये हो गया है, फिर आपको टेम्पलेट पे क्लिक करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करना है, आपको ब्रिंग टू फ्रंट कर लेना है। फिर आपको ब्लेंडिंग पे जाना है और आपको इसे स्क्रीन कर लेना है। ये हो गया है, फिर आपको एक्सपोर्ट वीडियो पे क्लिक करना है और आपको क्रॉपिंग पे जाना है और इसके बाहर निकले भाग को आपको क्रॉप करके हटा देना है। ये हो गया है, फिर आपको लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है और आपको इसमें एक इमेज को ऐड कर लेना है। फिर आपको इस इमेज को छोटा करके आपको इस बॉक्स में सही से एडजस्ट कर देना है। फिर आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है और आपको इसके डुप्लीकेट कर लेने हैं। डुप्लीकेट करने के बाद आपको अब इसे यहाँ पे सही से एडजस्ट कर देना है। ये हो गया है, फिर आपको इसे फुल वीडियो तक कर लेना है। सो फ्रेंड्स इस तरह आपको एक एक करके सारे बॉक्स में इमेज को ऐड कर लेना है। ये हो गया है, फिर आपको शेयर वाले आइकन पे क्लिक करना है और आपको इसे एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट होने के बाद ये आपके फाइल में सेव हो जाएगी।